ये कल साफ करा था, आज फैल चुका है दोबारा। इस बंदे ने ना ये फाड़ दिया, मैंने बड़ी मुश्किल से टेप लगा के सही है, मेरे मुंह का माल है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है 4th February और 6th February हमारे पेरेंट्स की एनिवर्सरी है, तो हम सोच रहे हैं उनको मिडनाइट सरप्राइज देते हैं। तो जब ये देखते हैं, तो अभी तो हम जगह को साफ कर रहे हैं क्योंकि आज 4 है और कल 5 होगी, तो हम रात में आफ्टर 10 PM हम उसको डेकोरेट करेंगे। चलो देखते हैं। हमने इसके अंदर छुपा रखे हैं हमारे सामान। और यहाँ पे हमारे कपड़े वगैरह सूख रहे हैं। ये बैलून्स और ये हैप्पी एनिवर्सरी का और ये जो भी बोलते हैं कर्टेन एंड कुछ चीज़ें हमारे घर पे तो रखी हुई थी, तो वो घर पे तो लेंगे लेंगे। और इसके बाद सोची थोड़ा, हमने अपने आप से कार्ड भी बनाया, उसका वीडियो भी आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगा। सो गाइस, हम लोगों ने डिसाइड करा है कि हम लोग, अरे बालू नाना कितने टाइम आती है ना, ये जो हैप्पी एनिवर्सरी के ये सब होता है ना, इसमें हम वो थ्रेड या लेस कुछ भी बोलो वो डाल रहे हैं, क्योंकि कल हमें टाइम तो वैसे भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि आधा टाइम ना मेरा ये फुलाने में चल जाएगा। इसको फुलाने आते नहीं है, मुझे आते हैं, और जो मशीन है ना वो ख़राब हो रखी है, तो और ये हम अभी करते हैं। और कल का पता भी नहीं है, मतलब कल का कि क्योंकि मम्मी जो पापा है ना, मम्मी और पापा है ना, वो भी मतलब 10 बजे तक तो सोते ही हैं, 10 बजे तक तो हमारे खाना पीना चलता रहता है, तो हमारे पास उसके बाद 11 बजे सोते, फिर 11 से 12 जैसे हमारे पास एक घंटा होगा। और सोचता नहीं हम क्या क्या करेंगे, अभी तक तो मम्मी और पापा का कुछ भी आइडिया नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए कि सरप्राइज है। यस ठीक है। Hair and it's 9:56 right, and we are trying to make our parents better and best, but पता नहीं कैसे, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ कल साफ करा था, आज फैल चुका है दोबारा। सब यादा तैयार है, यहाँ पे हमने कर्टेन लगा लिया है, और अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे एनिवर्सरी हो रहे हैं, जो कि कल ना हमने बस हैप्पी करके रख दिया था। तो केक लेने जा रहे हैं अभी, और इसके बारे में हमने पापा को थोड़ा सा हिंट दे दिया कि मतलब हम जा रहे हैं कुछ लेने, तो उनको पता ही चल गया हम केक लेने जा रहे हैं, और फिर हम अकेले बिना बताए जा भी नहीं सकते थे ना, बाहर जा रहे हैं कहीं पे, तो हाँ। इसलिए तो हमने पापा को थोड़ा हिंट दे दिया। मम्मी के लिए सरप्राइज है, मम्मी को एक इतना सा भी हिंट नहीं है कि क्या चल रहा है, और पापा ने थोड़ा बहुत आके बाहर देख भी लिया है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और ये वीडियो की लो क्वालिटी के लिए सॉरी, क्योंकि अभी अंधेरा हो रहा है और यहाँ रोड लाइट्स भी बहुत कम है, सो दो काम कंप्लीट हो गए। हाँ, तो बस वो कर्टिन वगैरह लगा दिए हमने, और फिर अभी बलून वगैरह सब करने बहुत सारा काम है। और हमने केक को परचेस कर लिया, और ये हम अभी बाहर रखने वाले हैं अपने पास, ताकि मम्मा पापा को पता ना चले अभी तक। हाँ, पापा को तो पता ही है, पर उन्हें डिज़ाइन नहीं पता। हाँ, वो भी है। चलो चलते हैं, फिर जल्दी बहुत सारा काम है यार। 10:30 हो गए, 10:30 हो गए गाइस, 10:30 तक तो हमने सोचा था सब कुछ कर देंगे। हाँ, और 10:30 बजे तब हम शुरू कर रहे हैं। चलो जल्दी से घर जाके मिलते हैं। अपन है ब्राउन फैमिलीज, और ब्राउन फैमिली में ब्राउन गर्ल्स हैं, तो ऑब्वियसली लेट तो होना ही है। तेरा हुआ कि नहीं स्टार्ट? हो गया ना, खत्म हो गया, बस ना एक प्रॉब्लम हो गई। ये प्रॉब्लम के अलावा कुछ और नहीं कर रही। ये जैसे लगाएंगे ना, ये अलग अलग बिछड़ गए। काम खराब हो रहे हैं। इस बंदी ने ना ये फाड़ दिया, मैंने बड़ी मुश्किल से टेप लगा के सही करा है। एक काम दिया था वो एनिवर्सरी का, डालने में ना इसने आधा घंटा लगाया है। और यहाँ पे बैलून्स लगे और फुलाने, तो कब फुलाएगी, कल रात तक? मैं एक लगाऊंगी फिर। सो गाइस, 12 बज चुके हैं, और ये है हमारा फाइनल डेकोरेशन। हमारे हिसाब से तो हमने बहुत ही अच्छा लगा है, बस मम्मी और पापा को अच्छा लगे, तो अभी लाइनिंग करती हूँ मैं।
मम्मी आ चुकी हैं और पापा भी आ गए हैं। इतनी रात में जगा के लाई हूँ मैंने, ऑलमोस्ट पापा सो गए थे और एक मम्मी आ गई। यहाँ हमारा सरप्राइज है। हैप्पी एनिवर्सरी। वाह भाई वाह, बच्चा है। अरे वाह, स्वीट, वेरी स्वीट। अरे आया है मेरे मुंह का कमाल है। वीडियो बना रही हूँ मैं, तो खिला दो। कुछ भी नहीं है तेरे कदमों से आगे, कदमों से आगे, कदमों से आगे। आँखों पे मोहब्बत लिख दे, सांसों पे मोहब्बत लिख दे, होठों पे मोहब्बत लिख दे, कहता है दिल दीवाना।